2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल असम पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया है। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा आमने सामने आ गए हैं। हिंसा की कथित घटनाएं उस समय हुई जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पार्टी समर्थकों और नेताओं ने गुवाहाटी में इंटर करने की कोशिश की और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिसकर्मी के साथ इस दौरान झड़प की भी खबरें सामने आई। असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में राहुल गांधी समेत अन्य व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि हेमंत शर्मा ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को भीड़ को उकसाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा है कि असम CM द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री के दिल में डर है, वे डरे हुए हैं क्योंकि असम के लोग उनके खिलाफ तूफान के रूप में खड़े हैं। गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बब्बर शेर करार देते हुए कहा कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर हैं, हमने बैरिकेडिंग हटा दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी को रोका क्यों गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के वैष्णव विद्वान शंकर देव के जन्म स्थान पर पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया गया। मंदिर में जाने से रोके जाने पर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि हम राहुल गांधी से अनुरोध करेंगे कि वो राम मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान बटरदवा न जाएं क्योंकि इससे असम की गलत छवि बनेगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर हमें मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कोई समस्या पैदा करना नहीं चाहते, हम बस मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं। वहीं इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अब कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम अभी ऐसा करते तो इसका राजनीतिकरण किया जाता। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। 2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद से शर्मा अपनी पूर्व पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी की तीखी आलोचना करते रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस नेता रहे और असम में पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक शर्मा को पार्टी से तब अलग होना पड़ा था जब उन्होंने देखा कि CM के लिए उनकी जगह तरुण गगोई के बेटे गौरव को चुना जा रहा है। शर्मा ने आलाकमान से अपील भी की लेकिन इस वक्त कोई जवाब नहीं मिला था। फिर उसके बाद उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया था। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बंगाल पहुंच चुकी है, लेकिन राहुल गांधी का असली इम्तिहान यहीं पर है क्योंकि ममता बनर्जी एक दिन पहले ही कह चुकी हैं कि वो लोकसभा चुनाव में बंगाल में अकेले मैदान में उतरेंगी।